सत श्री अकाल गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। हम सलाम करते हैं सोनम जी के जज्बे को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों के जज्बे को, जो आप 21 दिन से अपनी डिमांड्स के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं। हमारा भी एक जो प्रोटेस्ट है, और हमारी हिंदी थोड़ी वीक है क्योंकि हम पंजाबी में ज्यादा बात करते हैं वहां पे, तो इसके लिए भी कोई गलती सलती हो जाए तो इसलिए हम पहले आपसे माफी मांगते हैं। हमारा भी एक प्रोटेस्ट चल रहा है हरियाणा पंजाब के बॉर्डर के ऊपर। जैसे आप लोगों को मोदी ने बोला था कि हाँ जब मेरे को इलेक्शन में जिता दो मैं आपको सिख शेड्यूल दूंगा, जो आपके यहाँ पे हक हैं वो हक आपको दिए जाएंगे, ऐसे ही हमें भी बोला गया था कि हम हमारा MSP का गारंटी कानून बनाएंगे, ठीक है, और आप हमें प्रधानमंत्री बना। जब 2014 में जब ये इलेक्शन में आए थे, 2019 में भी इन्होंने हमें ऐसे ही बोला कि हमें दोबारा से प्रधानमंत्री बना दो, राज के अंदर लेके आ जाओ, हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे 2022 के अंदर। फिर एक प्रोटेस्ट हुआ 2020 के अंदर, जब हम 1.5 साल बैठे रहे, जब ये 3 फार्म लॉ लेके आए थे जो किसानों के खिलाफ थे, बट हम 1.5 साल वहां पर बैठे रहे और मोदी को झुकाकर उन कानूनों को वापिस करा के फिर अपने घर पर वापिस आए थे। दुनिया झुकती है, बड़े बड़े राजे भी झुकते हैं, झुकाने वाले चाहिए, आप लोग झुकाओगे। बस कभी भी डरना नहीं इनसे, कभी भी हारना नहीं, कभी भी अपने हौसले कम नहीं होने देने, आप लोगों की जीत होगी। जब हम आए 2020 के अंदर, 2021 के अंदर वापिस आए, तब भी इन्होंने हमें बोला कि आपका MSP गारंटी कानून बनाएंगे। फिर भी हम 2024 तक हमने इनका वेट किया कि हमारे कोई कमेटी बना दो, हमारा MSP का गारंटी कानून बना दो, बट इन्होंने ये, क्योंकि ये आज ताकत के अंदर है ना, तो ये सुनते नहीं है ना छोटे लोगों की बात, जो रात सत्ता का नशा होता है ना, इनके सिर पे चढ़कर बोल रहा है इस टाइम। फिर हमने दोबारा अपने प्रोटेस्ट की जब दोबारा भी स्टार्ट किया 2024 के अंदर, तो जब हमने इन्होंने कहा भी हमारा MSP का गारंटी कानून दो, तो इन्होंने उसके बदले में हमें क्या दिया, रबड़ बुलेट दी, सीधी गोलियां मारी, आंसू गैस के गोले इन्होंने हमारे ऊपर ड्रोन के ऊपर से मारे। तो इन्होंने, इनके पास हमारी बातों के जवाब नहीं है, इनके पास गोलियां हैं, ये हमारे गोलियां मारते हैं। हमारे दो भाई हैं जो गोली से इन्होंने शहीद किए हैं, और जो बहुत से किसान हैं जो आंसू गैस की गोले की वजह से घायल भी हुए हैं, बहुत हैं जो वहां पे हैं, बट ये हमें कभी डरा नहीं सकते, ये कभी हमें हरा नहीं सकते। हम आज भी उन्हीं बॉर्डरों के ऊपर बैठे हैं, अब आज भी वेट करेंगे 2 महीने और, जब नया प्रधानमंत्री आएगा ना, हम फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हमारे ये गोलियां मारे, फिर हमारे ऊपर जाए आंसू गैस के गोले मारे, बट हम कभी पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारा MSP गारंटी का कानून नहीं बनेगा। ऐसे ही हम आप लोगों को कहना चाहते हैं, ये जो नेचुरल रिसोर्स है, आप लोगों की वजह से, इन पहाड़ों की वजह से ही हमारे वहां पर भी खेती होती है, क्योंकि यहां से जब पानी जाता है तभी तो हम वहां पे पानी को अपने खेतों में पानी दे सकते हैं। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही, जब तक आपकी डिमांड पूरी नहीं होगी, आपने पीछे नहीं हटना है, आपकी एक दिन हम पक्का जीत होगी। और लड़ना पड़ता है, घर बैठ के कभी हक नहीं मिलते, सड़कों पर आना पड़ता है, जैसे आप आज आंदोलन कर रहे हो वैसे आंदोलन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो बस यही हम तो बेनती लेके आए हैं, जैसे हमारा आंदोलन चल रहा है, परसों जब 23 तारीख को शहीद भगत सिंह का शहीदी दिवस था, तो वहां पर हिमाचल से लड़के आए थे, उन्होंने हमें बताया कि वहां पे ऐसे ऐसे करके सिख शेड्यूल के लिए, क्योंकि ना जो मेन मीडिया, स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया है जो है ना, वो आप लोगों की बात नहीं दिखाता, वो सारा अंबानी अंडानी का बिका हुआ है इनका, ठीक है ना, बट हाँ वो बात नहीं दिखाता, बट जैसे सोनम जी को देखते हैं सारे के सारे, लेकिन वो आज है, जैसे आप लोगों को पता है किसान आंदोलन चल रहा है, वैसे हमें भी पता है किसान आंदोलन चल रहा है। तो हमारे अंदर उन शहीदों के जज्बे हैं, भगत सिंह के जज्बे हैं, क्योंकि ये देश हमने आजाद करवाया था, है ना, आप लोगों ने, जब हमारा देश गुलाम था तो आप लोगों ने आजाद करवाया था, आम पब्लिक ने आजाद करवाया था, किसी कॉरपोरेट के बेटे ने आजाद नहीं करवाया था, या किसी राजनेता के बेटे ने आजाद नहीं कराया था। तो जो हक हमारे हैं ना, तो हम फैसले, अपनी जमीन के फैसले हम अपने आप करेंगे, वो अंबानी अंडानी या फिर बिजनेस लोग भी आगे हमारे फैसले नहीं करेगा।
तो हम बेनती ही करते हैं कि हाँ हम भी आपके साथ हैं, आपकी आवाज को भी ज्यादा से ज्यादा हरियाणा पंजाब के अंदर या फिर जो उधर का जो स्टेट है वहां पे भी पहुंचाएंगे। और आप सबने हमें इतना मान सम्मान दिया उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं, और कोई गलती सलती हो गई तो उसके लिए भी आपसे माफी मांगते हैं। सारे नु नमस्ते, प्यार भरी सत श्री अकाल, गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।